हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप ज़रूर देख लें। और बहुत सारे ज़रूरी लिंक आई बटन में भी दिए रहते हैं, वहाँ भी आप लोग एक बार चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो बच्चों, उस वीडियो को क्यों देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज सारी पृष्ठभूमि, सारा बेस उसका कि कहाँ से कौन सा फार्मूला किस तरह यूज करना, इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ था। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को और उसके क्वेश्चंस को वन बाई वन हम समझेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 है हमारे सामने और क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम देखेंगे क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसको देखकर, जिसे पढ़कर आपको लगता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी बना रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होता है, जब अगर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा हो हर जगह पर, तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं, ऐसा जो सीक्वेंस होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वन बाई वन उनको पढ़ना होगा और देखना होगा कि क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। तो हम वन बाई वन उसको देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज है, ठीक है। कितना है? 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले एक किलोमीटर जब टैक्सी वाला जाएगा तो आपसे कितना लेगा, 15 रुपीज, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएगा हर किलोमीटर का 8 रुपीज पर किलोमीटर लेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे टैक्सी फेयर इन 1 किलोमीटर विल बी हाउ मच, 15 रुपीज। एक किलोमीटर का किराया टैक्सी का कितना हुआ बच्चों, 15 रुपया हुआ ना। अच्छा, फिर 2 किलोमीटर का कितना हुआ, तो 2 किलोमीटर का हो जाएगा 15 + 8, दैट इज 23 रुपीज। ये 8 मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है कि भाई पहले किलोमीटर का 15 रुपीज होगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर होंगे हर किलोमीटर का 8 रुपीज होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं, 3 किलोमीटर का कितना होगा, तो अब जो पिछला था उसमें फिर 8 ऐड हो जाएगा, यानी इस बार हो जाएगा 23 + 8, ठीक है। और अगर 1 किलोमीटर का मुझे चेक करना हो, यानी कि 4 किलोमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 31 + 8 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो हमारे सीक्वेंस है वो क्या क्या बन गए, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब कोई टर्म एपी में है या नहीं, इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, कि इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, अगर ये सेम आएगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। लाइक 23 - 15, सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, 23 - 15 कितना आया, 8 आया, है ना। 8 ही ऐड करने में तो 23 आया था 15 पे, ओके। आगे 31 - 23 कितना होगा, ये भी 8 आएगा। 39 - 31 कितना होगा, ये भी 8 आएगा। यानी कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा ही जाता है कि भाई ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके टर्म इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं किसी निश्चित ऑर्डर में, है ना, रेगुलर ऑर्डर में। तो बिल्कुल आप देख लीजिए, हर बार 8 8 8 8 8 ऐड होता चला जा रहा, तो इस तरह के टर्म्स को हम बिल्कुल कहेंगे यस, दीज आर इन एपी, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं सेकंड पार्ट है हमारा,
कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है किसी सिलेंडर में हवा की मात्रा क्या है, अमाउंट ऑफ एयर, जब वैक्यूम पंप क्या होता है, हर बार बचे हुए एयर का 1/4 रिमूव कर देता है। ठीक है, हम जैसे सपोज कर लेते हैं कि जो एयर का अमाउंट था वो स्टार्टिंग में कितना था, V था। अब वैक्यूम पंप 1/4 वॉल्यूम को हटाएगा, मींस कितना रिमूव किया उसने, वो रिमूव किया है V/4। तो रिमेनिंग अभी कितना बचा है, अभी बचा है V-V/4। आप एलसीएम लोगे तो 4V-V मीन्स 3V/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले स्टेप पे कितना V, फिर V/4 उसने हटाया तो कितना बचा 3V/4। अभी इसका 1/4 फिर हटाएगा, वो जो वैक्यूम पंप है हर बार, उसमें बोला है क्वेश्चन में कि हर बार वैक्यूम पंप क्या करेगा, रिमेनिंग का 1/4 एयर रिमूव करेगा। तो इस बार 3V/4 का 1/4 रिमूव करेगा तो कितना हो जाएगा ये 3V/16। अभी कितना एयर बचा, अभी बचा है 3V/4 - 3V/16। यहाँ पे मैंने 16 ले लिया एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 4 4 = 16, सो दिस इज 12V - 3V, कितना हो जाएगा 9V/16। ठीक है, तो अगले वाले स्टेप पे आपने देखा क्या आ गया, 9V/16 आ गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 3 ही ले लिया एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, क्या 3V/4 - V इक्वल है 9V/16 - 3V/4 के। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा 3V - 4V मीन्स -V/4। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 16 आया, दिस इज 9V - 4 4 = 16, सो दिस इज 12V, हाउ मच -3V/16। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल है नहीं, है ना, तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो एपी में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जो अगला पार्ट है बच्चों, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर्स ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। ये बिल्कुल टैक्सी वाले की तरह तो है ना। क्या बोल रहा है कि एक वेल को, एक कुएं को खुदाई करनी है और पहले मीटर पे जो अमाउंट है उसका वो कितना है, वो है 150 रुपीज़, और जैसे जैसे हर मीटर बढ़ेगा 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। यानी कि पहले मीटर पे 150 रुपीज़, फिर अगले में एक मीटर के लिए, फिर अगले एक मीटर में 50 इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि 200, फिर अगले मीटर पे इस पे 50 ऐड होगा यानी कि 250, फिर अगले मीटर पे 300 एंड सो ऑन। क्वेश्चन समझे आप, किसी कुएं की खुदाई करनी है, ठीक है, वेल को डिगिंग करना है, फर्स्ट मीटर का रेट कितना है 150 रुपीज़। बिल्कुल उसी तरीके जैसे से टैक्सी फेयर में हमने कहा था कि भाई पहले किलोमीटर पे 15 रुपीज़ है, उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़ ऐड होता जाएगा, बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे है। पहले मीटर पे जब कुएं की खुदाई होगी तो 150 रुपीज़ रेट लगेगा, फिर हर मीटर पे 50 ऐड होता चला जाएगा। तो वेरी सिंपल हियर, 200 - 150, दिस इज इक्वल टू 250 - 200, दोनों तरफ कितना आया है 50 आया है, है ना। अब अगर दोनों तरफ 50 आया है तो कॉमन डिफरेंस सेम है, अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर एपी में है। यस, दिस इज आल्सो इन एपी। ठीक है, तो आइए एक पार्ट और इसका वो भी देख लेते हैं। तो जो लास्ट पार्ट है हमारा, वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, अब आपको पता है कि अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 + R/100 - n होता है। ठीक है, अब उसने 10,000 अमाउंट डिपॉजिट किया है, हर साल वो 10,000 डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, और किस रेट पर, 8% पर। तो जैसे फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो A इज इक्वल टू 10,000 1 + 8/100
यहाँ पे एन क्या होता है, टाइम, यहाँ पे वन लग गया, वन लिखें या ना लिखें वही बात होती है। दूसरे ईयर की बात करूँ सेकंड ईयर में, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, 10,001 प्लस 8/100 स्क्वायर। और तीसरे साल अगर बात करूँ तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,001 प्लस 8/100 पावर 3। तो देखा आपने फर्स्ट ईयर में कितना था, 10,001 प्लस 8/100, सेकेंड ईयर में स्क्वायर लग गया, थर्ड ईयर में क्यूब लग गया। अब इसका डिफरेंस भी बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ सकता, इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए ये भी एपी में नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमारा बहुत ही आसान है, बोल रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। आपको फर्स्ट फोर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म लिखने हैं किसी एपी के। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी दिया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया है, इसकी हेल्प से आपको फर्स्ट फोर टर्म लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे मैंने सभी पार्ट लिख लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पे पांच पार्ट हैं। ठीक है, सभी को सॉल्व करना है, सभी के फर्स्ट फोर टर्म बताना है। इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं। आपको बताया था कि किसी भी एपी के जो टर्म होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फिलहाल फोर टर्म लिखे हुए हैं, तो हर पार्ट के लिए हमको यही अप्लाई करना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो बच्चों देखो यहाँ पर ए कितना दिया है, 10, फिर ए प्लस डी और डी कितना है ये भी 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ए प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2D means ये 20 हो जाएगा, 2 into 10 कितना 20, तो 20 plus 10 कितना 30 हो गया। और फिर है A plus 3D, तो 3D मतलब ये 30 हो गया और ये plus 10 40 हो गया, फर्स्ट फोर टर्म हमको मिल गए। बिल्कुल आसान है, A और D ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसकी मदद से यहाँ पे वैल्यू हमने पुट किया, तुरंत फोर टर्म हमारे मिल गए। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इसी बात पर। सेकेंड में a इज इक्वल टू माइनस टू है, ये लीजिए माइनस टू। फिर अगला क्या होगा, a प्लस डी, जबकि d जीरो दिया है तो माइनस टू प्लस जीरो कितना होगा, माइनस टू। फिर माइनस टू प्लस जीरो कितना होगा, माइनस टू। फिर माइनस टू प्लस जीरो कितना होगा, माइनस टू। यानी कि इसके चारों टर्म सेम होंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही जीरो दिया है, तो फिर बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। अगला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है a इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू माइनस 3, तो सबसे पहले a होता है तो 4 हो गया, फिर a प्लस डी यानी 4 प्लस माइनस 3, तो 4 से 3 गया कितना 1 आ गया। फिर a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस माइनस 6 हो जाएगा, भाई ये 2d है और d यहाँ पे माइनस 3 है, तो 2 इंटू माइनस 3 कितना, माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 हाउ मच, माइनस 2। अगला है a प्लस 3d यानी 4 प्लस 3 इंटू 3 कितना 9, माइनस में है तो माइनस 9, तो 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगला देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में a इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो सबसे पहला तो माइनस 1 ही हो गया, और फिर क्या होगा a प्लस डी यानी माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, आप सब्ट्रैक करोगे तो ये भी माइनस 1 बाई 2 आएगा। फिर अगला क्या होगा, अगला होगा a प्लस 2d यानी माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि जब 2d करूंगा तो ये 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 0। और फिर क्या है, इसमें फिर से मैं हाफ जोड़ूंगा तो कितना आएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले पार्ट की बात करें यानी कि फिफ्थ पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट है माइनस 1.25 और सेकंड पार्ट होगा a प्लस डी, यानी कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब दोनों ही माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1.50, फिर माइनस 1.75, फिर माइनस 2.00। ठीक है, आई बात समझ में। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर टू तक हम लोगों ने आज के वीडियो में कर लिया है, कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री से शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।